सातवीं है फिर से बॉलीवुड। बॉलीवुड का मतलब है फिल्म जगत। फिल्म जगत पर, फिल्म जगत चाहे वो संगीतकार हो चाहे वो कोई भी हो, यानी कि भारत में जितने भी फिल्म से जुड़े हुए, फिल्म जगत से जुड़े हुए हो, चाहे वो बंगाली हो, एक्टर कोई भी हो, एटीट्यूड मेन बात है। फिल्म जगत से जुड़े हुए कोई भी लड़का लड़की हो, एक्टर सिंगर हो, मेन टॉपिक है फिल्म जगत से जुड़ा हुआ। उन पे भयंकर सेकंड आने वाला है इस 6 महीने में। और 6 महीने फिर से प्रभु कह रहा है, एक बॉलीवुड में से आप एक खबर सुनोगे और वो खबर आपको हिला देगी, तो प्रार्थना करना। इस वक्त एक दुखद खबर मुंबई से आ रही है। बीती रात करीब 8 बजे फिल्म अभिनेता रसिक दवे का निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में ही अंतिम सांसें ली। रसिक दवे को महाभारत के कैरेक्टर नंद प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे से देखा आपने, फिर से फिल्म जगत में संकट, और परमेश्वर ने बताया है कि आने टाइम में आप और संकट देखोगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, परमेश्वर का क्रोध जो इतना भड़का हुआ है? मेरे से तो बहुत गहरी बात पर उन्होंने बताइए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, अपने आप को तेरे में सौंपता हूँ। मेरा बोलना नहीं तेरा बोलना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जी, तो परमेश्वर ने बहुत गहरी बात बताई है। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन में दिया कि अभी और संकट आने वाला है फिल्म जगत पर। क्यों हो रहा है ये? उसके दो कारण है। पहला कारण मैं आपको बता चुका था कि प्रभु चाहता है कि शैतान का जो गढ़ है उसे तहस नहस करना, और जो लोग फॉलो करते हैं उनको बचाना, क्योंकि अनगिनत लोग फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं और वो इस कारण से नरक में जाते हैं, इस कारण से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। अब परमेश्वर नहीं चाहता किसी का जीवन बर्बाद हो। देखिए, परमेश्वर अपने क्रोध को भी दिखाना चाहता है, यानी कि जो लोग उनको सताते हैं, परमेश्वर के लोगों को, वचन को, क्योंकि प्रभु ने वचन से बहुत प्रेम करा। मेरे से तो वचन से 138 में कहा कि अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। आज वो राज की बात बताइए कि आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। और अगर आपके जीवन में कोई मसीह विरोधी तो उसे लड़ना नहीं है, प्रभु को छोड़ दो। देखो, शाउल को पौलुस बना ले परमेश्वर है, ये हम सब जानते हैं। तो परमेश्वर मसीह विरोधी को हिसाब लेना भी जानते हैं, मौका देते हैं। जब मौका हो जाता है तो परमेश्वर फिर संकट के द्वारा समझाते हैं। और हम सब जानते हैं कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बातें, यही वचन प्रभु ने दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन हम सब की आंखें खोले। और वाक्य में पिता, आज दुनिया देखेगी कि आपने जो बोला है पिता परमेश्वर, वो अद्भुत है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे दो, आज बहुत गहरी बात बताइए। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म जगत हमेशा से मसीह लोगों के विरुद्ध चला है, क्योंकि मसीह लोग सच्चाई की तरफ चलते हैं और ये झूठ की तरफ चलता है। हालेलुया। मसीह लोग, मसीहत, पवित्र बाइबल पवित्रता दिखाती है और ये अश्लीलता दिखाता है। दूसरी बात, फिल्म जगत वालों ने हमेशा से, डायरेक्टर हो, एक्टर कोई भी हो, मसीह लोगों को अपमान किया है, नीचा दिखाया है, पवित्र बाइबल का, हालेलुया, वर्ड का, याद है आपको, मजाक उड़ाया है ना, और पवित्र बाइबल का प्रेगनेंसी बाइबल नाम लिख दिया। पीके मूवी में आमिर खान ने कैसे एक यीशु मसीह का चर्च का मजाक उड़ाया, तो परमेश्वर ये सब देखता है। लेकिन हम सोचते हैं वो भूल गया, वो भूलता नहीं। उसको आप छेड़ोगे वो आपको छेड़ेगा, और उसका छेड़ना तो दुनिया देखती है। हम जानते कि आमिर खान की लाइफ नॉर्मल नहीं रही, उसकी जीवन में संकट आया, तो अभी और संकट पर उन्हें बताया है। हालेलुया। आज मसीह विरोधी से भी मेरा जवाब है, परमेश्वर के हाथ में मत पड़ना, वो जीवित परमेश्वर है। और अगर आपके घर में है तो वो प्रभु बदलेगा, लेकिन आप देखोगे परमेश्वर के इस जलवे को, क्योंकि जब उनसे माफी नहीं मांगता तब श्राप आता है, और वो माफी मांगने का मौका देता है। आइए वचन की प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का वचन हम सबको जीवन बदल दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रभु ने मुझे यही आज सिखाया है कि जो लोग वचन का अपमान करेंगे, पवित्र बाइबल का अपमान करेंगे, हमें कुछ नहीं कहना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें माफ कर देना है, बाकी काम प्रभु का है। और वो जब न्याय करता है ना तो दुनिया देखती है। मेरे जीजो, अभी बायकॉट हो रहा है ना, अभी तो प्रभु ने शुरुआत करी है। अभी आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले है ना, एक कि एक अभिनेता का फिर डेथ हो गई। इस समय पावरफुल क्रोध है फिल्म जगत पर। जैसा आप करोगे वैसी है, आप टेढ़े चलोगे तिरछा बन जाएगा। वो दयालु है किसके साथ, तो दयालु है वो, टेढ़ा है जो तिरछा है, उसको मत छेड़ो। हालेलुया। वचन कहता है इब्रानियों 10:31 में, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और फिल्म जगत परमेश्वर के हाथ में पड़ चुका है, पड़ चुका है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनको समझा रहा है, और परमेश्वर के समझाना हम सब जानते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चल, हमारी नहीं। लेकिन आज ये वार्निंग है हर किसी के लिए, जो मसीह विरोधी को, जो मसीह लोग को ये समझते ना, अरे मसीह तो कुछ नहीं है, कुछ भी झूठ बोल लो, धर्म परिवर्तन कर दो है ना, कुछ भी बोल दो, फिल्में कुछ भी दिखा दो, बेसी कर दो, ये सोचते हैं वो।
ये नहीं सोचते हमारा परमेश्वर आग है, वो चट्टान है, वो जीवित परमेश्वर के आप भयंकर, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। और फिल्म जगत हाथों में पड़ चुका है परमेश्वर के, और उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। इसलिए आप देखते रहो और परमेश्वर कार्य करता रहे। हालेलुया। मैं ये निवेदन करूंगा कि जो मसीह विरोधी है ना, वो अपना रुख बदल ले, तौबा करे, प्रभु क्षमा करने वाला है। आज जो लोग माफी मांगते हैं उनको माफ करता है और क्षमा करके दास दासी बना देता है। हालेलुया। आज यही चीज प्रभु ने मुझे बताई, बहुत बारीकी बताई। यही कारण है, इसी कारण से क्रोध भड़क गया और यह क्या है, फिल्म जगत परमेश्वर के हाथ में आ चुका है। अब जो चीज प्रभु के हाथ में आ गई कौन छुड़ा सकता है। इसलिए यही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, वाक्य में जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात। और ये आप हमें दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो कि बाइबल का अपमान करना, वचन का अपमान करना, तेरे लोगों का अपमान करना, तेरे चर्च का अपमान करना, हेलो वर्ड का अपमान करना, आप ये करते चले गए। इन्होंने सोचा कि परमेश्वर सुनता ही नहीं है, उसको कुछ भी बोलो। लेकिन आपने दिखा दिया पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और अभी आपने मुझसे कहा है ये शुरुआत है, अभी तो और कुछ होगा। और पिता दया कर, हम फिर ये कहेंगे पिता, फिर भी हमारे नहीं आपकी छपरी। और जितने भी अगर कोई मसीह विरोधी है जो देख रहा है घर में से, आज उसका जीवन बदल जाए, ताकि वो भी आपके वचन को, आपके लोगों को ना सताए। हाँ और आमीन के साथ। पिता अपने लोगों से प्रेम करते हो और अपने वचन से, अपने नाम से ज़्यादा महत्व देते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जब तेरे हाथ में कोई पड़ जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है पिता, क्योंकि आपके हाथ में पड़ना, कौन ताकत है कोई आपके हाथ में कोई छुड़ा सके। इसलिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बारीकी बात बताई, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता मुझे ऐसी ही बात बताते हैं, आप सब गवाह हो, जब बहुत बारीकी होती है, मेन टॉपिक होता है। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। यकीन मानना प्रभु हमसे प्रेम करता है। जय मसीह।